हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका स्टडी टू फोर सेवन में आज हम लोग टीपीएससी मिसलिन की जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है लास्ट मिनट सजेशन की तरह मान सकते हैं आप इस वीडियो को तो इस वीडियो इस एग्जाम के लिए या त्रिपुरा के जो टीपीएससी द्वारा जो एग्जाम किया जाता है उन सब एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इन सब क्वेश्चंस में से आपको बहुत सारा क्वेश्चंस डायरेक्टली मिल जाएगा कुछ क्वेश्चंस आप पढ़ के रखेंगे तो उससे आपको अंदाजा मिल सकता है कि सही जवाब क्या होगा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सबसे पहला जो सवाल है द फर्स्ट कैंपेन ऑफ द फर्स्ट कैंपेन फॉर मास लिटरेसी इन त्रिपुरा वॉज त्रिपुरा में फर्स्ट कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया जिसमें मास लिटरेसी को मुद्दे में रखा गया था वो किसने किया था वो किया था दशरथ देव ने फर्स्ट मेंबर ऑफ़ द राज्यसभा फ्रॉम त्रिपुरा में जो सबसे पहले मेंबर बने थे राज्यसभा के वो कौन थे वो थे अरमान अली मुंशी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ टीटी टीटी एडीसी के सबसे पहले चेयरमैन कौन थे चेयरमैन वॉज नारायण रूपिनी देखते हैं आगे फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव में थे अघूर देवर्मा द नाइट ग्रैंड क्रॉस फॉर द ब्रिटिश एम्पायर वीर विक्रम किशोर मानिक्या मार्जर एग्रीमेंट ऑफ त्रिपुरा विद द यूनियन ऑफ इंडिया त्रिपुरा की जो मार्जर एग्रीमेंट थे वो किन्हों ने साइन किया था जो की यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जाके बाद में मार्च हो गया था तो ये साइन किया था कंचन प्रभा देवी ने ये कौन थे ये थे महाराजा बिर विक्रम किशोर वाज साइन ऑन त्रिपुरा त्रिपुरा वॉज मर्ज ऑन इंटीग्रेटेड विद इंडियन यूनियन ऑन त्रिपुरा अल्टीमेटली इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो गया ये कब हुआ ये हुआ फिफ्टीन अक्टूबर नाइनटीन

पॉलिटिकल एजेंट कब नियुक्त किया गया यह किया गया 1871 में उस समय त्रिपुरा के राजा कौन थे राजा थे महाराजा बीरचंद्र मानिक्य। when agartala municipality is established agartala municipality कब बनी थी यह बनी थी 1871 को the executive power of the state of tripura formally rested in or executive head of the state त्रिपुरा की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में है वो है गवर्नर के हाथ में लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा के फर्स्ट गवर्नर ऑफ गवर्नर ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे वो थे एल डायसर इज द मॉडर्न साइक्यूरेटिक हॉस्पिटल ऑफ़ त्रिपुरा लोकेटेड। त्रिपुरा की जो मॉडर्न साइक्यूरेटिक हॉस्पिटल है वो कहाँ पे है? वो है नसींगरड़ में। What is the sex ratio of Tripura as per 2011 census? And the correct answer is 961। Population density of Tripura is as per 2011 census is 350। Literacy rate of Tripura according to 2011 census is 87.2 percent। राजा फा व सोन ऑफ राजा फा किसके बेटे थे राजा था राजा फा सोन थे किसके पे अगला जो सवाल है हाउ मेनी नेम्स ऑफ़ किंग डू वी फाइंड इन राजमाला राजमाला में कितने राजा के नाम मिलता है त्रिपुरा के जो राजमाला है उसमें त्रिपुरा के कितने किंग के नाम वहां पे है तो ये जो सवाल है ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं आप लोग जरूर इस सवाल के जो आंसर है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिएगा कि Exactly कितने राजा थे जो राजमाला में mention है। इस सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू अपने हिसाब से नीचे comment section में करिएगा बढ़ते हैं आगे के जो एंशियंट राजा थे उनका टाइटल क्या था पहले वो था फा द फर्स्ट कैपिटल बनी थी तो यह बनी थी धर्मनगर में त्रिपुरा एरा या त्रिपुरा स्टार्टेड फ्रॉम ये त्रिपुरा एरा कब से से शुरू शुरू होता होता है 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 ये 590 जो में उसकी पुराना नाम क्या है वो है प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ सेक्रीफाइसिंग इनोसेंट बॉयज इन दल वो राजा कौन थे जिन्होंने छोटे बच्चे को सेक्रीफाइस करना बंद करवाया था वो थे किंग

सागर है वो किसके द्वारा खनन किया गया है वो किया गया था कृष्ण किशन मणिक्य के द्वारा कॉकबोरॉक लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व इन त्रिपुरा ऑन त्रिपुरा में कॉकबोरॉक लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है नाइनटीन जनवरी को फर्स्ट मेल आई ऑफिसर फ्रॉम त्रिपुरा इज पहले मेल आई ऑफिसर कौन है त्रिपुरा से वो है देवप्रिय वर्धन घर चुक्ति टैक्स वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द घर चुक्ति टैक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये किसके वहां से लाया जाता था या किसके या किन लोगों से ये वसूली किया जाता था, था घर चुक्ति टैक्स तो ये किया जाता था, था ट्राइबल हु प्रेक्टिस्ड जूम कल्टिवेशन दीसी अंडर द दिक्कत शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन त्रिपुरा ऑन त्रिपुरा में ये जो टीटी डीसी है शेड्यूल के अंडर में आता है ये कब लागू किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया ये किया गया फर्स्ट बिल्ड बाय निल किसके द्वारा बनाया गया था बनाया गया महाराजा बीर विक्रम किशोर द्वारा त्रिपुरा जो त्रिपुरा की एरिया है लैंड एरिया है उसकी टोटल लेंथ कितनी है वो है 183.5 किलोमीटर थ्री रिवर फॉर्म्स द त्रिपुरा मिजोरम बॉर्डर कौन सा रिवर है जो त्रिपुरा और मिजोरम के बॉर्डर के बीच में है वो रिवर है लोंगाई फीमेल लिटरेसी रेट इन त्रिपुरा सेवन परसेंट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ त्रिपुरा अंडर ऑटोम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर में, में कितना एरिया है तो त्रिपुरा के जो टोटल लैंड एरिया है उसके वो है 68.1 परसेंट द रिवर गुमती ऑफ त्रिपुरा ओरिजिनेटेड फ्रॉम ये रिवर गुमती जो है वो कहां से शुरू होती है ये शुरू होती है तीर्थमुख से द पावर प्लांट एट मोनरचक अंडर सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट इज ए जो पावर प्लांट है मोनरचक में वो सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है वो पावर प्लांट कौन सा है या किस टाइप का पावर प्लांट है यह तो ये है थर्मल पावर प्लांट लस्ट किंग ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा के लास्ट किंग कौन थे या लास्ट राजा कौन थे वो थे महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिकल त्रिपुरा सेवेंटी वन में जो पोलिटिकल एजेंट को नियुक्त किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उस व्यक्ति का नाम क्या है वो है ए डब्ल्यू बी पावर उस समय त्रिपुरा के राजा कौन थे उस समय

सुधन्य देवर ने द परसेंटेज रिजर्व फॉर ट्राइबल इन त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज त्रिपुरा में जो एस टी रिजर्व है वो कितना है वो है टैंक टैंक इन त्रिपुरा किसके द्वारा खनन किया गया था यह किया गया था धन्य मणिक के द्वारा त्रिपुरा किंग फर्स्ट अटैक मणिपुर त्रिपुरा के कौन से राजा थे जिन्होंने मणिपुर को पहली बार अटैक किया था वो राजा थे धर्म मणिक्य टू Who was famous for the title Rajarshi given by Rabindranath Tagore in a novel? वो Rajarshi कौन थे जिनको novel में Rajarshi का दर्जा दिया गया Rabindranath Tagore के द्वारा वो राजा है गोविंद मानिक Which temple of Tripura was mentioned by Rabindranath in his novel Rajarshi and drama Visarjan? Novel Rajarshi और drama Visarjan में कौन सी मंदिर का उल्लेख किया गया है वो मंदिर है भुवनेश्वरी मंदिर विथ व्हाट नेम नक्षत्र राय एसेंड थ्रोन था, ऑफ त्रिपुरा सी नाम से नक्षत्र राय जो है वो त्रिपुरा के राजा बने थे वो छत्र मणिक्य के नाम से सिंहासन में बैठे थे द भानुमति ऑफ त्रिपुरा भानुमती जो है क्विंग वो किस उनके हस्बैंड कौन थे उनके हस्बैंड थे बीरचंद्र मणिक् जिनके मौत होने के बाद ये वीरचंद्र के बहुत ही दुखी हो गए थे उसी वक्त उनको एक नोवेल मिला रविंद्रनाथ टैगोर के जरिए लिखा गया उस नोवेल का नाम है भग्न हृदय हु वॉज नोन एज द विक्रमादित्य ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा के विक्रमादित्य किसे कहा जाता है वीरेंद्र किशोर मानिक्य को द किंग ऑफ त्रिपुरा हु फर्स्ट रिकॉग्नाइज रविंद्रनाथ एज अ पोएट वो कौन से राजा थे जिन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर को पोएट का दर्जा दिया था वो है वीरचंद्र माणिक्य प्लेस होया किंग वीर चंद्र मणिक मैट फर्स्ट रवीन्द्र वो कौन से जगह है जहां पे वीर चंद्र मणिक पहली बार रवीन्द्रगोर से मिले थे वो जगह है कार्सियोंग त्रिपुरा अटेंड द स्टेटस ऑफ स्टेट ऑन त्रिपुरा को फुल्ली स्टेट का दर्जा कब मिला ये मिला ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन सेवेंटी टू को द फर्स्ट रेल सर्विस वॉज स्टार्टेड इन त्रिपुरा इंडिया त्रिपुरा में पहली बार रेल सर्विस कब स्टार्ट हुआ ये हुआ 1964 को रेल इंजन रिस्ट अगरतला स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन पहली बार रेल इंजन अगरतला तक पहुंची कब हुआ ये हुआ 29 जून 2008 को द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर 2008 त्रिपुरा हैज एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश टोटल लेंथ इज 856 किलोमीटर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट पलाटना पावर प्लांट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है वो है गमोती चैनल वो कौन से स्विमर थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था वो है गणेश नाहा टोटल नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी लिव इन त्रिपुरा टोटल नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी कितना है वह है ट्वेंटी यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया है यहाँ पे 19 था लेकिन अब क्या हो गया एक और कम्युनिटी जो है दार्लोंग कम्युनिटी उनको ऐड किया गया जो पहले कुकी कम्युनिटी के अंडर में आते थे सब कम्युनिटी की तरह लेकिन अब ये दार्लोंग कम्युनिटी को फुल कम्युनिटी का दर्जा मिल गया है इसी के तहत ये टोटल नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी जो नाइनटीन हुआ करता था अब ये ट्वेंटी बन चुका है तो ये सवाल अभी के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये नया नया डेवलपमेंट हुआ है राजभवन दैट इज प्रेजेंट गवर्नर हाउस एट आगरतला इज नोन एज राजभवन जो है जो अभी प्रेजेंट गवर्नर हाउस है उसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है पुष्प शॉर्टेस्ट वेस्ट फ्लोइंग मेजर रिवर ऑफ त्रिपुरा वेस्ट फ्लोइंग शॉर्टेस्ट रिवर सबसे छोटी वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है वो है रिवर हावड़ा द टाइप ऑफ सोयल ऑफ लंगस ऑफ त्रिपुरा इज त्रिपुरा में किस टाइप के सोयल पाया जाता है वो है एसिडिक एसिडिकॉयल के लिए अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो एक वीडियो हमने पहले ही अपलोड करके रखे हैं हैं ऑफ ऑफ त्रिपुरा उसमें टोटल टाइप टाइप जितनी भी टाइप हो सकते कैसे उसकी जो ग्रेडेड है और कौन सी ग्रेड के टाइप को पाया जाता है त्रिपुरा में सारे सॉइल रिलेटेड क्वेश्चन हमने कवर कर, करके रखे है एक वीडियो के वो वाला वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाके आप देख सकते हैं इस वीडियो को खत्म होने के बाद जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बढ़ते आगे द बेरेज अंडर मनु मीडियम इरीगेशन स्कीम इज लोकेटेड एट मनु में या मनु नदी में एक इगेशन स्कीम के लिए एक बैरिज बनाया गया है जिसको कहा गया मीडियम इरीगेशन स्कीम वो कौन सी जगह पे है वो है नालकाटा में द फर्स्ट टी गार्डन ऑफ त्रिपुरा पे त्रिपुरा में सबसे पहला टी गार्डन कौन सा है वो है हीरा चरा किस के द्वारा चालू किया गया था ये वीरेंद्र किशोर मानिक के द्वारा चालित हो गया था द फर्स्ट न्यूज पेपर ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा के पहले न्यूज पेपर कौन सा है वो है अरुण और अगर हम मैगजीन की बात करें त्रिपुरा में सबसे पहला मैगजीन कौन सा था वो है रवि तो रवि था मैगजीन और अरुण जो है वो है फर्स्ट न्यूज पेपर द फॉलोइंग फिल्म इन द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ त्रिपुरा नीचे फिल्मों से जो फिल्मों के नाम दिया गया है उनमें से त्रिपुरा के फर्स्ट फीचर फिल्म कौन सा है वो है लॉन्ग तोराई क्वीन त्रिपुरा सुंदरी वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ क्वीन त्रिपुरा सुंदरी किसके पत्नी थे या किस राजा के पत्नी थे वो राजा है कीर्तिधर द फर्स्ट त्रिपुरा किंग हु एडोप्टेड द टाइटल मानिक्य वो पहला त्रिपुरा के राजा कौन थे जिन्होंने मानिक्य टाइटल को अपनाया था वो है सेंगतुंगफा द नेम ऑफ द किंग हु इंट्रोड्यूस कॉयन

बहुत ही बहादुर सेनापति हुआ करते थे राय कचक उन्हीं के द्वारा इस कैनन को हड़पा गया और यह कैनन अभी भी त्रिपुरा में है तो यह कैनन किसके था यह था हुसैन शाह के ऑफ आर्क इन त्रिपुरा आंसर इज बालाग्रामा करबुक सब डिविजन बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट करबुक सब डिविजन जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है यह आता है गोमोती डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ज वॉज एस्टेब्लिश महाराजा बीर विक्रम कॉलेज का स्थापना कब हुआ था यह हुआ था कम्युनिटी इन त्रिपुरा कम्युनिटी के द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है वह है चीरो इन सब डिविजन ऑफ त्रिपुरा दृष्णा सेंचुरी इज लोकेटेड त्रिष्णा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी सब डिविजन में है यह है बिलोनिया सब डिविजन में

रघुनाथ रेड्डी देवतामुरा इज फेमस फॉर देवतामुरा मुरा किस फेमस है रॉक कार्विंग ऑन द स्टीप माउंटेन वॉल यानी माउंटेन में या पहाड़ के दीवारों में वहां पे रॉक काटिंग है वहां पे खुदाई करके मूर्ति बनाया गया है इस, इसी वजह से इस देवतामुरा बहुत ही फेमस है कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा इज स्मॉलेस्ट त्रिपुरा के जो आठ डिस्ट्रिक्ट है उनमें से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो है उनकुटी द प्रेजेंट एंग ऑफ रंगामटी इस रंगामटी जो एक जगह का नाम हुआ करता था उसका नाम नया नाम या अभी जो नाम है वो कौन सा है वह उदयपुर इस उदयपुर का नाम किसने दिया था ये उस समय जो राजा थे उदय के द्वारा इस उदयपुर नाम रखा गया था जमातिया रिवोल्ट ऑकर्ड इन द ईयर जमातिया रिवोल्ट किस समय हुआ था ये हुआ था एटीन सिक्सटी थ्री में टी प्लांटेशन फर्स्ट कम्वेंड इन त्रिपुरा ड्यूरिंग दिगेइन ऑफ ट्री प्लांटेशन कब शुरू हुआ था या किस राजा के टाइम पे ये शुरू हुआ था ये हुआ था वीरेंद्र किशोर मानिक्य के टाइम पे ऑथर ऑफ विसर्जन विसर्जन जो एक ड्रामा है इस ड्रामा का ऑथर कौन है वह है रविंद्रनाथ टेगोर ऑफ त्रिपुरा वॉज सिलेक्टेड फॉर वेटलैंड मैनेजमेंट वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए कौन से लेक को चुना गया है वह रुद्र सागर लेक All India Radio, started functioning from, All India Radio, में जो setup किया गया है वो कब से कब से से शुरू हुआ ये हुआ हुआ या चालू ये जनवरी को। swimmer the Park वो कौन से स्विमर थे जिन्होंने पार्क स्ट्रीट को क्रॉस किया था जो त्रिपुरा से थे तो वो व्यक्ति है रति रंजन धर When revolt happened, revolt कब हुआ था? ये हुआ था था 1942 से लेके 43 के आसपास उस समय त्रिपुरा के राजा कौन थे राजा थे महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक गजन फेस्टिवल रिप्रेजेंट द फोक कल्चर ट्रेडिशन ऑफ गजन फेस्टिवल कौन से लोगों का फोक कल्चर है यह है जो बेंगोली लोग है उन्ही का ये फोक कल्चर है व्हाट इज द एरियल डिस्टेंस ऑफ अगरतला फ्रॉम कलकत्ता कलकत्ता से अगरतला का एरियल डिस्टेंस कितना है वो है 315 किलोमीटर वेन वॉज ढाका अगरतला कमर्शियल बस सर्विस स्टार्टेड ढाका से अगरतला तक कमर्शियल बस सर्विस कब शुरू हुआ था यह शुरू हुआ 19 सितंबर 2003 थाउजेंड गड़िया पूजा इज परफॉर्म इन द मंथ तो, ऑफ गड़िया पूजा किस मांथ में मनाया जाता है इस पूजा को परफॉर्म किया जाता है ये मनाया जाता है बीजू जाता है नंबर ऑफ मेडिकल, कॉलेज त्रिपुरा, त्रिपुरा में कितने मेडिकल कॉलेज है? तो दो मेडिकल कॉलेज है। नेम द लार्जेस्ट एंड द स्मोलेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा के जो लार्जेस्ट एंड सेंचुरी है वो कौन कौन सा है तो लार्जेस्ट है गोमोती और स्मोलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रोआ तो आज के लिए हमने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया होगा आप लोग जरूर लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे हमें कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे चल के जो हम वीडियो लाएंगे वो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम